हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहल राय और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं एक ऐसे शो में जहां है नॉलेज, पॉजिटिविटी एंड अवेयरनेस। जी हां, जिसका नाम है होम्योपैथी अनहोनीपैथी। दोस्तों, होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी एक स्ट्रीम, एक इलाज है जिससे अनहोनी टल सकती है। जड़ से इलाज हो सकता है और बीमारी को हम जड़ से, शरीर से निकाल फेंक सकते हैं, वो भी सुरक्षित तरीके से। एक ऐसी ही बीमारी अमूमन तौर पर आजकल हर एक शख्स में देखी जा रही है। ये बीमारी है जोड़ों का दर्द। जब आता है बहुत ज्यादा दर्द लेके आता है। वेल, चलिए जानते हैं इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में प्रोफेशनल से। वेल, ही इज नन अदर देन क्लासिकल होम्योपैथी प्रोफेसर डॉक्टर अनवर अमीर अंसारी जी। प्रोफेसर डॉक्टर अनवर अमीर अंसारी एक समर्पित टीचर और पेशेंट्स के चहेते हैं, जिन्होंने अपने 30 सालों के अनुभव द्वारा क्लासिकल होम्योपैथी और मॉडर्न कॉन्सेप्ट को कोलैबोरेट किया और अपनी रेवोल्यूशनरी रिसर्च से इजाद किया ट्रीटमेंट का बायोसाइकोसोशल मॉडल, जिसकी हेल्प से आज इनऑपरेबल और लास्ट स्टेज कैंसर सहित कई जटिल बीमारियों से जूझ रहे लोगों को नया जीवन मिला है। अपनी अद्भुत रिसर्च के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में सम्मानित डॉक्टर अंसारी को अब तक अनेक अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर अंसारी का एक ही मिशन है, खतरनाक बीमारियों के आतंक को चुनौती देना और लोगों को एक सफल इलाज उपलब्ध कराकर उन्हें स्वस्थ खुशहाल जीवन देना। वेल, दोस्तों, आज खुद डॉक्टर अनवर अमीर अंसारी जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर अनवर साहब। हेलो स्नेह, तहे दिल से आपका स्वागत है इस शो में। वेल, दोस्तों, आज खुद डॉक्टर अनवर साहब हम सभी के लिए यहाँ मौजूद हैं। अगर जोड़ों के दर्द से रिलेटेड या किसी भी बीमारी से जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में हो या आपके परिवार जनों में किसी को भी कोई बीमारी हो और आपको सलाह मशवरा लेना हो, तो डॉक्टर अनवर साहब और उनकी पूरी टीम आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। एक छोटा सा आपको कदम उठाना है, आपके टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आपको कॉल करना है और आप जुड़ सकते हैं खुद डॉक्टर अनवर साहब से या उनकी टीम से। सो तुरंत कॉल कीजिए। वेल, डॉक्टर अनवर साहब, आज मैं बात करना चाहूंगी जोड़ों के दर्द के बारे में। पहले के जमाने में देखा गया था कि एक एज के बाद में अमूमन तौर पर ये कंप्लेन आती थी कि घुटनों में दर्द है या जोड़ों में दर्द है, बट आजकल यंगस्टर्स में भी जोड़ों का दर्द देखा गया है। ये कहीं कोई अलार्मिंग जोन तो नहीं, कोई खतरे की घंटी तो नहीं? ये हमारा जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है जी, सोसाइटी का, इसको दर्शाता है। देखिए, पहले था कि एक उम्र के बाद में हुआ करता था जोड़ों का दर्द, आज आप देखेंगे तो यंग पीपल, एकदम यंग एडल्ट्स, चिल्ड्रन, ये होता है। 100 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की क्लासिफिकेशन है जोड़ों की शिकायत की, कुछ इन्फेक्टिव किस्म के, कुछ अलग किस्म के, रेयर डिजीज वगैरह। लेकिन जो दो मेन बीमारियां जो है जी, वो एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो एज के साथ में जो घिसने से जो होती है जी, और एक दूसरा होता है जो वेरी कॉमन नाउअडेज इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि एक ऑटो इम्यून बीमारी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड। आजकल जो ज्यादा यंग एज में जो दिखने में आता है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ओके, अब ये क्यों हो रही है, यंग एज में क्यों ऐसा हो रही है, ऑटो इम्यून बीमारियां क्यों हो रही है, क्या वजह है कि मतलब कि खुद अपने आप जिस्म जो है अपने आप की मुखालिफत करता है, उसके अगेंस्ट में जाता है। ऑटो इम्यून बीमारियां वही होती है जहाँ पे इम्यून सिस्टम खुद अपने आप के खिलाफ में काम करता है। ये उन लोगों में होती है जहाँ पे अपने आप की वैल्यू बहुत कम है, कम महसूस करती है, इंफीरियर जो महसूस करती है, अपने आप को जो वैल्यू जो नहीं, या समाज उनको वैल्यू नहीं दे पाता है, या कोई माहौल ऐसा बनता है जहाँ पे उसको डिग्रेड किया जाता है, उसकी वैल्यू कम की जाती है, और उसका एहसास उस पर जब हो जाता है तो इस किस्म से जॉइंट का पेन चालू होता है। क्योंकि माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन खास तौर पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इशू डू विद वैल्यू एंड डीवैल्यूएशन। जहाँ पे डीवैल्यूएशन आएगा वहाँ पर जॉइंट पेन्स कहीं ना कहीं इस किस्म से उभरेंगे। कि हमने आम तौर पे जो है डे इन डे आउट हमारे क्लिनिक में देखा, क्योंकि आजकल जो हमारे पास में जो केसेस ज्यादा आते हैं वो इसी किस्म के आते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के आते हैं। डॉक्टर अनवर साहब, अब काफ़ी ऐसे कॉलर्स हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आज के शो का पहला कॉल रिसीव करना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो। जी। हेलो। हेलो, नमस्ते, आपका इस शो में स्वागत है। क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं रीता बात कर रही हूँ गोवा से। रीता जी, अभी अगला आवाज जो आप सुनेंगे वो डॉक्टर अनवर साहब का होगा, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकती हैं। ओके, फरमाइए।
हाँ जी, मुझे ना 2-3 months से राइट लो बैक होता है, लो बैक पेन होता है, तो वो एक्सटेंड होता है राइट हील तक, मतलब एकदम सीवियर पेन होता है जैसे कोई करंट पास हो रहा हो, तो इट इज सो सीवियर दैट मैं कोई काम पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकती हूँ। ये जो आपको अमूमन जो दर्द होता है कब ज्यादा होता है रीता जी, बताएंगे आप? जब ज्यादा एग्जर्शन कर लिया हो मैंने, ज्यादा एक्टिविटी हो गई हो, तो उससे बहुत सीवियर पेन होता है। कमर में ऊपर के हिस्से उठता है या नीचे के हिस्से से उठता है? ऊपर से लेके नीचे तक का हील, राइट हील तक का पेन, मतलब कि अच्छा ये पूरा यहाँ से ग्लूटिस मसल से होकर नीचे जाता है ऐसा? यस यस। एक लाइन में ऐसा हो तो दर्द आपको, एक लकीर में ऐसा दर्द ऊपर से नीचे जाता है? हाँ हाँ राइट, एग्जैक्टली वैसा ही पेन होता है। ओकिल्टा जी, जो आपका जो मसला है ये जॉइंट्स के ताल्लुक से नहीं है, लेकिन जॉइंट्स के वजह से सेकेंडरी इफेक्ट है, हम जिसे आप कहते हैं साइटिका। ओके। ये साइटिका जो है आपका राइट साइड साइटिका है। आपकी उम्र कितनी बता सकते हैं? जी मेरी अभी 29 है। अच्छा, तो पॉसिबली ऐसा है कि मतलब कि आपके स्पाइन में, लंबा स्पाइन में कहीं ना कहीं जो आपका डिस्क है उसका प्रेशर पड़ रहा है वहाँ के नर्व्स के ऊपर, और वो नर्व जो मेन नीचे जो पैर में जो जाती है आपकी, वो साइटिक नर्व होती है। नहीं बस इतना ही तकलीफ है, बस यही मैं चाह रही थी कि कैसे रिलीफ हो मुझे। मैं आपको कुछ रास्ते बताता हूँ, कुछ दवाइयाँ बताता हूँ आपको, जिससे आपको कम से कम आराम मिल जाएगा, लेकिन बेहतर है कि आप अपना प्रोफाइलिंग करा के जो है आप इसका जो, क्योंकि ये टेम्पररी तौर पर ठीक हो सकता है, वापस उभर भी सकता है आपको। अगर ये पोस्चरल है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब कि थोड़ा एक्सरसाइज और दवाई के साथ में ठीक हो जाएगा। आप जो ये काम कीजिए कि इसका एक एक्सरे करवाइए, और हमारी जो टीम जो है उनसे आप संपर्क कीजिए, वो आपको बताएंगे कौन सा एक्सरे करना है, क्या करना है और कैसा करना है। आप संपर्क जब करेंगे तो उसका इलाज कैसा होगा, रिक्वायरमेंट्स का क्या होगी, वो सब बताएंगे आपको, उसके हिसाब से आप कीजिए। आपका ये मामला बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वेल थैंक यू सो मच रीता जी फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू सो मच। वेल दोस्तों, अगर जोड़ों का दर्द आपकी भी जिंदगी में आ चुका है या किसी भी तरीके की कोई बीमारी है जिस का सवाल आपके जहन में बार बार आ रहा है, तो प्लीज देर मत कीजिए, क्योंकि हर एक पल के साथ में वो दर्द बढ़ते ही जाएगा। आपको बस एक छोटा सा कदम उठाना है और आपको दिए गए नंबर पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं कॉल करना है, और खुद डॉक्टर अनवर साहब आपके सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। जी हाँ, इस शो के दौरान आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, और इस शो के बाद भी अगर आप कॉल करना चाहें तो डॉक्टर अनवर साहब और उनकी पूरी टीम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। वेल डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जोड़ों का दर्द, इसके बारे में आपने अभी हमें बताया कि यंगस्टर्स में कैसे आता है और उसे हम क्या कहते हैं, इसके लिए एग्जैक्टली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है, आई मीन होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है? देखिए, जो मोस्टली जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं जी, वो थक हार कर आते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर गए हैं एलोपैथी ट्रीटमेंट के लिए, किया है, पेन किलर खाया, थोड़ा कम हुआ, फिर बाद में उठ रहा है। तो जो पेशेंट जो आते हैं वो मल्टीपल प्रॉब्लम लेके आते हैं दुनिया भर की। फॉर एग्जाम्पल, आप ये बोलिए कि वो एक शेर है, क्या बताएं हमें कि दर्द कहाँ होता है, एक जगह हो तो बताएं कि यहाँ होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इस किस्म की बीमारी है कि दोनों जॉइंट्स, ये हाथ के छोटी फिंगर के जॉइंट्स, एल्बो के जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, कमर की, एंकल्स की, यानी पॉली आर्थराइटिस, कोई जगह नहीं बचती ऐसी। हो सकता है कि एक जॉइंट में ज़्यादा है, एक जगह में कम है, तो अलग अलग जॉइंट में डिफॉर्मिटीज पैदा होती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। होम्योपैथी में हम जो करते हैं कि भाई पूरी जो मैंने जैसे बताया कि माइंड जो इसकी बेसिक कॉज है, माइंड से बॉडी का कनेक्शन कैसा है और वो कैसे ट्रैवल हुआ, क्या क्या वो उसमें इफेक्ट हुए हैं, उनकी प्रोफाइलिंग माइंड की क्या क्या है, हम जब इसके हिसाब से अप्रोच करते हैं, प्लस लोकल पेन के लिए हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, रिलीफ कैसे दे सकते हैं, तो दोनों बैलेंस करके चलना है। एक्यूट के अंदर पेन का और क्रॉनिक स्टेज के अंदर जो है कि मतलब जड़ से कैसे खत्म करना है, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब, मुश्किल है, लेकिन क्लासिकल होम्योपैथी के जरिए। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, बट लगातार कॉलर्स के कॉल आ रहे हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं इस सिलसिले में आपसे और आगे बात करना चाहूंगी, बट पहले हम अगला कॉल लेना चाहेंगे। हेलो। हेलो, नमस्कार, होम्योपैथी अनहोनीपैथी में आपका स्वागत है, क्या मैं जान सकती हूँ आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ना नियति बोल रही हूँ। जी नियति, आप कहाँ? इंदौर से। जी जी नियति जी, अभी अगला आवाज जो आप सुनेंगे वो डॉक्टर अनवर साहब का होगा, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकती हैं। ओके जी, फरमाएं। डॉक्टर, मुझे है ना 6 महीने से बहुत जॉइंट पेन हो रहा है और थोड़ी थोड़ी सूजन भी रहती है। अच्छा, मुझे सारे जॉइंट में मतलब दुखता है, लेकिन उंगलियों में ज्यादा दुखता है और सुबह सुबह बहुत जैसे स्टिफ जैसा लगता है। हाँ हाँ।
और बस मतलब मैंने अभी तक इसके लिए कुछ जांच पड़ताल या टेस्ट वगैरह नहीं करवाए हैं, तो जी, आप जी. बता सकते हैं कि मैं क्या टेस्ट कराऊं? खाली उंगलियों के जोड़ में नहीं होती कि और कहीं पर भी है आपको? घुटने में, कूनी में, उंगलियों में. अच्छा, एक ही तरफ या दोनों तरफ में होता है? दोनों तरफ. हाँ, जब मैं उठ के थोड़ा चलूँ फिरूँ काम करूँ तो एकदम अच्छा रहता है. अच्छा. लेकिन जब मैं स्टार्ट करूँ या फिर लेटी रहूँ तो फिर नहीं आराम रहता, तब दर्द ज्यादा होता है. ओके. और वो साथ साथ में जब सूजन, जब दर्द जो होता है तो उसमें अकड़न भी होती है? हाँ, अकड़न तो रहती है. ओके. नहीं तो देखिए, जो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपने जो सिम्टम्स बताया है, हाँ, उसके हिसाब से प्रोबेबली जो आपका जो प्रॉब्लम जो है, जो आपका केस है, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की स्टार्ट है. ओ. हाँ, तो ये आपको ये देखना पड़ेगा क्या स्ट्रेस चल रहा है आपको. बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्या चल रहा है? अभी तो कुछ नहीं, बस कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं पहले है. कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले वो स्ट्रेसफुल पीरियड से आप गुजरे हैं क्या? हाँ, जैसे थोड़ा स्ट्रेस तो था ही, वो बच्चों से रिलेटेड. जी जी. अच्छा, देखिए ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण आपको है जो दिख कर आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको आपकी जो बीमारी है उसको कन्फर्म करना पड़ेगा. उससे कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर जो होता है, आर ए फैक्टर और आर ए टाइटर, ये टेस्ट ब्लड के टेस्ट होते हैं. आप ये करवा लीजिए और एक्सरेज अगर पॉसिबल अगर हो तो एक्सरेज, अगर जो जॉइंट में पेन ज़्यादा है वहाँ करवा लीजिए, जैसे अगर जोड़ में ज़्यादा तो जोड़ के और हाथ के जो है करवा लीजिए. और एक टेस्ट और है CRP, ये टेस्ट CRP जी, ये आप टेस्ट कीजिए, ये बुनियादी टेस्ट कीजिए. इससे अंदाजा होगा कि भाई आपकी जो बीमारी जो है रूमेटॉइड या आर ए की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है. हाँ. समझे. और फिर हमारे आप डॉक्टर से हमारे क्लिनिक पे कंसल्ट कीजिए, आपकी तफसील बताइए और उसके हिसाब से जो दवा सजेस्ट करने की हम बता सकते हैं आपको, या हमारे पास में जो लाइन ऑफ एक्शन है हम पूरा करके उसका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं उसका. तो आप ज़रूर ख्याल रखिए आपका, कि डोंट टेक इट लाइटली, और अपना बराबर से ख्याल कीजिए, जांच कीजिए और आपका इलाज बराबर कीजिए, क्योंकि आगे जाके ये शायद प्रोग्रेस हो सकता है. डोंट टेक इट लाइटली. ओके, ठीक है. थैंक यू. थैंक यू सो मच नियति फॉर कॉलिंग अस. वेल दोस्तों, देखा आपने, कभी कभी एक छोटा सा जोड़ों का दर्द भी कितना बड़ा बन जाता है. कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं कि 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, ये हाथ पैर में एक मामूली सा दर्द ही तो है. लेकिन 2-4 साल भी बीत जाए, ये दर्द कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता. ऐसे समय में हमें जरूरत है किसी प्रोफेशनल के सलाह की, किसी प्रोफेशनल की तरफ से एक प्रॉपर मेडिसिन की. वेल, इसीलिए तो खुद डॉक्टर अनवर साहब आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं. अगर आप में से किसी को भी जोड़ों के दर्द की शिकायत हो या किसी भी तरीके की बीमारी की शिकायत हो तो आप हमें यहाँ संपर्क कर सकते हैं और खुद डॉक्टर अनवर साहब से आप अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं. कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, सो वक्त जाया मत कीजिए. वेल, इसी के साथ डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछ रही थी कि एग्जैक्टली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होती है होम्योपैथी में जोड़ों के दर्द के लिए, आप हमें बता रहे थे. बट मेरा एक और आपसे सवाल था डॉक्टर साहब कि कुछ लोग जो आपके सेंटर में आते हैं वो तो काफ़ी खुशकिस्मत है कि उन्हें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मिल जाती है, बट ऐसे पूरे इंडिया में और ओवरसीज भी पेशेंट्स होते हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन सेंटर तक नहीं आ पाते. सो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे शख्स के लिए आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे उन्हें दिलवाएंगे? देखिए, जैसे मैं बता रहा था आपको, ये जो जो प्रेजेंटेशन जो रहता है उसके हिसाब से हम पूरा प्रोफाइलिंग करते हैं, उसके हिसाब से करते हैं. जो बुनियादी चीज़ है, अगर अच्छा काम हमको करना है तो उसके लिए पेशेंट का आना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम उसकी मेंटल मेकअप, पूरा फ्रेमवर्क जो है वो समझ सकें, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई दे सकें, तो उसके लिए वो अनिवार्य है. लेकिन मजबूरियाँ कुछ होती है तो हम लोग बाय वे ऑल्टरनेट रास्ता निकालते हैं कि हम कोई उनका करीबी रिश्तेदार उनके बारे में अगर बता सके, जो डिटेल में सिम्टम्स जानता हो, करीबी रिश्तेदार आकर बोल सके भाई ऐसा ऐसा मामला है जो यहाँ पर रहता हो, या हम स्काइप के जरिए फ़ोन करके उनकी पूरी कैफियत वीडियो कॉलिंग के जरिए हम वो उनकी जाने समझे और केस को, या फिर बाद में हम हमारा जो केस परफॉर्मर का सिस्टम है जो है हम वो भेज कर आप वो केस परफॉर्मर भरें. मैं मकसद ये है बुनियादी कि आपके बारे में हमें जानना है. बीमारी जो कॉमन सिम्टम्स जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, ये दर्द है, सूजन है, ये तो है ही. इसके अलावा में जो मरीज़ में ख़ास बातें क्या है वो हमको आपकी जब हम पूछेंगे केस टेकिंग के तरीके से उसी से निकल आएगा. तो हमको वो बारीक बारीक चीज़ें चाहिए जो कि
एक मरीज की इनफरादियत या इंडिविजुअलिटी बताती है, उसके लिए हमें केसिंग जरूरी है, प्रोफाइलिंग जरूरी है। डॉक्टर अनवर साहब, अभी आपने जो हमें बताया कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसे हो सकती है जी, मैं बहुत खुश हूँ ये बताने में कि आपके एक पेशेंट थे जिन्हें वाकई में एक सेम ऐसा ही कुछ दर्द था और आज वो बिल्कुल इजाद पा चुके उस दर्द से और उनकी सक्सेस स्टोरी आज हमारे बीच यहाँ मौजूद है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो आपको दिखाना चाहूँ। जी, जी। मैं अब्दुल हमीद खान बोल रहा हूँ, नागपाड़ा डंका नोट से। मुझे हाथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, जोड़ों में दर्द चालू था, सो के उठता तो मेरा लेफ्ट साइड का ये शोल्डर है ना अक्सर जाम होता था, तो मैं इसके लिए अपना नॉर्मल दवा वगैरह ले रहा था, तो लोगों ने मुझे एक डॉक्टर का नाम दिया होम्योपैथिक का, मैं उनकी दर गया, 4 महीना कंटिन्यू उनसे दवा कराया, उन्होंने टेस्ट वगैरह कराया तो मुझे बताया कि ऑर्थोरोड्स वगैरह है इसमें। यूपी एक चक्कर के लिए गया, वहाँ से जो रिटर्न आया तो मेरे ये दोनों पैर ये दोनों हाथ वगैरह एकदम लॉक हो गए थे। उसके बाद मैं बहुत परेशान हुआ, उसके बाद मेरे को किसी ने बताया कि उड़पी में बोले आयुर्वेदिक का इलाज होता है, तो मैं वहाँ भी गया, 8 दिन वहाँ एडमिट था, वहाँ उन लोगों ने मेरी मालिश वगैरह की है, फिर उसके बाद मुझे वहाँ रिलीफ मिला, फिर उन्होंने उन लोगों ने भी मुझे 4 महीने की दवा दिए। दवा मैंने बंद किया ना सर, उसके बाद तो फिर वापस तकलीफ चालू थी, और मेरा जो रूम है 4 माले पे 4 फ्लोर पे, उसमें लिफ्ट वगैरह है नहीं, चढ़ने उतरने मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। फिर मैं अपना डॉक्टर अनवर अंसारी का प्रोग्राम देखा मैंने, तो उसमें कुछ मुझे मालूम लगी तो मैं उनके पास गया, उन्होंने फिर मुझे 8 महीने से अभी मेरा ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं, जिससे मेरा जो ब्लड के अंदर कुछ ये पॉइंट वगैरह बोलते हैं मुझे तो नहीं मालूम, डॉक्टर वाली लाइन है वो, तो उसमें कुछ 15 या 20 पॉइंट रहना चाहिए, वो कुछ 225 पॉइंट है, तो उसकी वजह से ये जोड़ों में पैर में सब मेरे को अकड़न आ जाती है। तो अनवर भाई की दवा में स्टार्ट करने पे वो जो चीज़ है वो 125 हो गई है, अभी मेरे को चलने में भी थोड़ा आराम है, फिरने भी आराम है, अब मैं थोड़ा चल भी सकता हूँ, उठ बैठ भी सकता हूँ, यानी इनकी दवा से मेरे को रिलीफ मिल रहा है। डॉक्टर अनवर साहब, आपका क्या कहना है इस पेशेंट के बारे में? मैंने स्नेह जी आपको मैंने बताया कि माइंड बॉडी कनेक्शन कैसा होता है, बिल्कुल, और मैंने बताया वैल्यू और डी वैल्यू का बताया जी। ये केस के अंदर भी वही प्रॉब्लम था, हमने उसको स्टडी किया, उसकी प्रोफाइलिंग की, इसका प्रॉब्लम भी डिवैल्यूएशन से था, हमने पूरा केस लिया, उसका समझा, कॉज समझा, और उसके जो मेंटल रिएक्शंस क्या क्या थे, ही वॉज अ वेरी वायलेंट किस्म का नेचर उनका रिएक्शन था, ही यूज टू अब्यूज टू मच, अब्यूजिव थे बहुत, उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज हो गया था पूरा, इन्होंने कि अपना आर ए फैक्टर कराया था, बहुत हाई था उनका, मे बी 300 के आसपास था, और हमारे पास जब आए तो सीवियर पेन्स में थे, ये एलोपैथिक इलाज करवा चुके थे, ना सिर्फ एलोपैथिक इलाज करवा चुके थे लेकिन बाहर स्टेट में कर्नाटका में जाकर वहाँ पर रहकर आयुर्वेदिक इलाज भी कराया उन्होंने काफ़ी अरसे तक का, जब तक इलाज करवाया तब तक वो ठीक थे, उसके बाद में फिर वापस प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो जब तक कि ये माइंड का जो कॉज है, जो हम समझते हैं, अगर हमको उसको नहीं टैकल करेंगे तो इसी किस्म के होगा, थोड़ा इलाज किया रिलीफ हो गया, फिर बाद में वापस चालू हो गया, सिलसिला चलते रहेगा। जड़ से निकालने के लिए जो हमको ट्रेस करना चाहिए, पूरा मैपिंग करना पड़ेगा कहाँ से शुरू हुआ। अगर कोई भी बीमारी में जड़ से इलाज करने के लिए वो जरूरी है, अगर वो नहीं तो उसका काम सिर्फ टेम्पररी होता है। तो अब्दुल हमीद के केस में भी इसी तरह से हुआ था, सब जगह में जाके आने बाद में भी पेन जब तक का दवाई खाए तब तक ठीक ठाक था। हमारे पास में आए तो मैंने कहा कि मतलब आर ए फैक्टर बहुत ज़्यादा था, सीवियर पेन्स थे जॉइंट्स के अंदर और हाथ में पैर में, चल नहीं सकता था बिल्कुल। वेल थैंक यू सो मच अनवर साहब, आपने वाकई में हमें इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, आई एम श्योर कि हमारे सारे दर्शक मेरी ही तरह कुछ नॉलेज रखते हैं, कुछ नहीं रखते, काफ़ी चीज़ें होती है जो हमें आपसे ही समझनी होगी कि कैसे की जाती है। इन तमाम आपकी जानकारियों के लिए तहे दिल से मैं आपकी शुक्रिया अदा करूं, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू अस। थैंक यू स्नेह। वेल दोस्तों, जोड़ों का दर्द हो या कोई और बीमारी, कोई भी सवाल अगर आपके जहन में है तो आप डॉक्टर अनवर साहब से या उनकी टीम से सलाह ले सकते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर अनवर आमिर क्यूरेटिव होम्योपैथी, 29/30 पटेल आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, केडी टावर, 233/234 बिलासिस रोड, मुंबई सेंट्रल, 400008। हमारे फोन नंबर्स हैं 02-2300-4757, 02-2300-5757 और 9930950750। हमारी ईमेल आईडी है dranwaramir@gmail.com।
हमारी वेबसाइट है www.dranwaramir.com। Well, इसी के साथ मैं आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहल राय चाहूंगी आप सभी से लेना इजाजत। इसी शो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी जिसका नाम है होम्योपैथी अनहोनीपैथी, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है।